अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ, आप सभी बच्चे अपनी अपनी उर्दू की किताब शान उर्दू निकाल लें। और सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में सबक नंबर 2 सच्ची दोस्ती पेज नंबर 7 खोल लें। आप सभी बच्चों की किताबें खुल गई। तो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, इस चैप्टर को, इस सबक को हमने पढ़ा था, लेकिन और बताया भी था कि सच्ची दोस्ती कि हाँ इस सबक में क्या है। इस सबक में 4 दोस्त हैं, हिरन, कछुआ, चूहा, कौवा। इन चारों जानवरों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है, अच्छी और सच्ची वाली। तो ये जानवर में से जो हिरन है तो वो एक मुसीबत में फंस जाता है। ये चारों जानवर क्या है कि डेली मतलब हर रोज़ तालाब के किनारे आते हैं, बहुत देर तक ये सब बातें करते हैं और एक दूसरे से मिलना जुलना, हंसना खेलना सब साथ में करते हैं ये चारों जानवर। इस तरह से वो आपस में दोस्त बन जाते हैं बहुत ही अच्छे। एक दिन क्या होता है कि कौवा और चूहा कछुआ ये तीनों तो आ जाते हैं, मगर तालाब के किनारे हिरन नहीं आता। तो इन जानवरों को, इन दोस्तों को क्या होता है कि डाउट होता है कि हाँ मेरा एक दोस्त नहीं आया, कि बात क्या। तो ये कछुआ क्या बोलता है कि जाओ कौवा और तुम पता करके आओ कि मेरा दोस्त, हम लोग का दोस्त हिरन आखिर क्यों नहीं आया। तो वो जाता है और देखता है कि एक शिकारी के जाल में हमारा दोस्त हिरन जो है तो वो फंस गया है। वो आकर अपने दोस्तों को यानी कि चूहे को और कछुए को ये खबर देता है कि हमारा दोस्त जो है तो वो सयाद यानी कि शिकारी के जाल में फंस गया है। और फिर कछुए का जो है तो दिमाग चलता है, वो फौरन बोलता है चूहे से कि तुम ही उसको बचा सकते हो, तुम्हारे पास तेज दांत है, तो तुम एक काम करो जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, हमारा दोस्त जो है वो हमसे बहुत दूर हो जाए, तो शिकारी कहीं ऐसा ना हो कि अपने साथ ले जाए, मार डाले। तो इस ये सब होने के पहले तुम एक काम करो कि तुम जल्दी जाओ और अपने दांतों से उसके जाल को काट देना और हमारे दोस्त को बचा लो। चूहा कौवा तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कछुए को भी अपने दोस्त हिरन से बहुत मोहब्बत होती है, तो वो भी पीछे पीछे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ तक वो भी पहुंच जाता है। तो हिरन तो मतलब हिरन बोलता है कि दोस्त मतलब तुम क्यों आ गए हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अगर शिकारी आ गया तो मैं तो छलांग लगा के चला जाऊंगा दौड़ते हुए। चूहा भी है तो जो वो भी बिल में चला जाएगा, कौवा जो है तो वो भी फुर करके उड़ जाएगा, वो कहीं चला जाएगा, लेकिन तुम तो फंस जाओगे, तुम्हें शिकारी पकड़ लेगा। तो इसने क्या जवाब दिया कि मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में मार गया यार, तुम्हारी मोहब्बत थी मुझे इसलिए मैं यहाँ आ गया, मैंने परवाह नहीं की अपनी जान की, और सारे दोस्त आ रहे थे तो मैं भी आया। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अभी हम आज यहाँ से पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का पढ़ना। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि सैयद आदम का, मगर इस अशना में चूहा सब बंद काट चुका था। सैयद को देखते ही हिरन ने जुस्त की, कौवा उड़ा और चूहा एक बिल में छिप गया, मगर कछुआ वहीं रह गया। सैयद ने बंद कटे हुए देखे तो आग बबूला हो गया। फौरन कछुए पर नज़र पड़ी और दिल में कहा कि अगरचा यह हकीर सी चीज़ हिरन के मुकाबले में कुछ भी नहीं, लेकिन खाली हाथ वापस जाना शिकारी की शान के ख़िलाफ़ है। बस उसी वक्त कछुए को पकड़कर तोबड़े में बंद किया और पुश्त पर रखकर शहर की राह ली। यानी कि अभी मतलब दोस्तों में ये सब बातें हो ही रहती है कि तुम्हें नहीं आना चाहिए था, हम लोग तो शिकारी के आने पर हम लोग तो यहाँ से जल्दी जल्दी चले जाएंगे, हम लोगों की रफ्तार है, लेकिन तुम तो बहुत ही आहिस्ता चलते हो। कछुए की चाल तो आप सबको पता है बच्चों कि वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलता है, बहुत ही सुकून से धीरे धीरे चलता है, उसकी चाल में बहुत ही मतलब चाल बहुत धीमी होती है कछुए की। तो ये सारे दोस्त की भी बातचीत चल ही रही थी कि इतने में ही जो सैयद था, सैयद माने मैंने पहले ही बताया कि शिकारी, तो शिकारी जो था वो आ गया वहाँ पे। और इसी बीच तुरंत जो है तो वो चूहा जो है तो मतलब जाल तब तक काट चुका था,
तो क्या हुआ कि इसे शिकारी को देखकर हिरन जो है तो वो भी छलांग लगा के निकल गया, और कौवा जो है वो भी उड़ गया, और चूहा जो है तो वो एक बिल में छिप गया। मगर कछुआ जो था उसकी चाल धीमी होने की वजह से वो वहीं रह गया। और सयाद जब देखा कि यहाँ जाल कटा हुआ है तो उसे बहुत गुस्सा आया। आग बगुला होना यानी कि बहुत गुस्सा होना, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने शिकारी जो है तो फौरन उसकी नज़र जो है तो कछुए पर पड़ी, क्योंकि चारों जानवरों में वहाँ पे क्या बचा था, सिर्फ कछुआ बचा था। तो शिकारी को वो कछुआ दिखा, उस पर नज़र पड़ी। तो शिकारी अपने दिल में क्या सोचता है कि ये छोटी सी मतलब हकीर सी चीज़ जो है, हकीर यानी कि बहुत ही छोटा सा मामूली सा, तो हकीर सी चीज़ है हिरन के मुकाबले में। हिरन बहुत बड़ा सा जानवर था और कछुआ एक छोटा सा जानवर है, तो अगर हिरन नहीं तो उसके मुकाबले में तो ये छोटा जानवर है, लेकिन मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। शिकारी जो है अगर शिकार करने के लिए निकले हैं तो उन्हें शिकार करके ही वापस आना है, अगर वो शिकार नहीं करते तो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं आपको। और ये मतलब वो अच्छा नहीं समझते हैं कि हमें शिकारी होकर शिकार नहीं कर रहा हूँ, बिना किए शिकार जाऊँगा। तो बेहतर है कि हिरन नहीं तो ना सही कछुआ ही मिला वही ले चलो। तो शिकारी ने क्या किया कि कछुए को पकड़ कर तोबड़े में बंद किया, यानी कि एक पुटली के जैसा होता है वो अपने कंधे पे रखे हुए होते हैं, तो उसमें उन्होंने उस शिकारी ने उस कछुए को बंद कर लिया और अपनी पुश्त पर रखकर शहर की राह ली, शहर की तरफ चल दिया। पुश्त यानी कि कमर पर रखकर, पीठ और कमर उसको पुश्त बोलते हैं। तो वो अपने थैले को पीछे रखकर और शहर की तरफ चल दिया। उसके जाने के बाद दोस्त जमा हुए और गमगीन होकर नाला व फरियाद करने लगे। चूहे ने कहा, रोना धोना बंद करो, मकोफ करो, और एक तदबीर मेरे दिमाग में है, इस पर अमल करो। मतलब जब सयाद जो था, शिकारी जो था, कछुए को ले गया, तो सारे दोस्त उसके बाद वहाँ पे इकट्ठा हुए, यानी कि कौवा और चूहा हिरन, ये तीनों दोस्त, और इकट्ठा हो गए। वो तीनों बहुत ज़्यादा आपस में गमगीन यानी कि दुखी हुए, और फिर उन्होंने क्या किया कि अल्लाह से ये जो है नाला फरियाद, इसके मायने होते हैं कि अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह से फरियाद करना। वो बहुत दुखी हो गए कि देखो हमारा बेचारा दोस्त वो मिला वजह उसको उस शिकारी के जाल में फंस गया, वो शिकारी उसको ले गया, तो बहुत दुखी थे। फिर हमने क्या किया, मिलकर अल्लाह से फरियाद की। तो चूहे ने कहा कि ये जो रोना धोना है, गमगीन होना है, वो सब अभी फ़िलहाल के लिए बंद करो, और एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। उसने अपने दोस्तों को बताया कि मेरे दिमाग में अभी एक तदबीर आई है। तदबीर माने क्या होता है, आइडिया होता है, तरकीब होती है, तो वो मेरे दिमाग में आई है, अभी उस पर अमल करो यानी उसे मानो। ए हिरन, तू सयाद के नज़दीक जा और इस तरह लंगड़ाता हुआ उसके आगे चल कि वह समझे कि ये जख्मी है। कौवा तेरी पुश्त पर बैठकर काय काय करे कि गोया तेरी आँख खाने का इरादा रखता है। पुश्तारा ज़मीन पर रखकर सयाद तेरा पीछा करेगा, तू लंगड़ाता हुआ उसे दूर ले जाना। इस अरसे में इंशाल्लाह मैं तोबड़े के बंद काटकर किसी गार में ले जाऊँगा। सब ने चूहे की अकल पर आफरी कही, यानी कि जो चूहे के दिमाग में जो एक तदबीर आई थी, जो आइडिया आया था, तो उसने बताया अपने दोस्तों को कि काम करो हिरन, तुम जो है तो शिकारी के नज़दीक जाओ और इस तरह से जाना लंगड़ाते हुए कि वो समझे कि हाँ तुम जख्मी हो गए हो, तुम चल नहीं सकते हो। और कौवा जो है तो उसका जो रोल होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारी पुश्त पर बैठ जाएगा और इस तरह से काएं काएं चिल्लाएगा कि मानो मतलब गुस्से में कि अभी तुम्हारी आँखें जो है तो वो खाने का इरादा मतलब वो रखता है। कौवा जो है तो हिरन की आँखें खाने का इरादा रखता है, इतने गुस्से में कौवा तुम ऐसी एक्टिंग करना, वो ये बोलता है उससे। तो उसने क्या कि वो दोनों दोस्त जो थे, कौवा और हिरन, तो ये दोनों मतलब चूहे की बात को माने और बहुत मतलब फ़ख्र कर रहे थे उसके दिमाग पर, उसके आइडिया पे कि हाँ चल बहुत अच्छा आइडिया है। फिर उसके बाद कहा कि जब कौवा मतलब काय करेगा तो तुम कुछ देर तक
जो है तो लगड़ाते रहना, और तुमको जो है तो सयाद जो है तो वो अपना जो एक पुतली थी, अरे क्या था वो, पुश्तारा बताया ना मैंने कि हाँ वो पीठ पे रखते हैं, तो वो जो है तो तुम्हें लगड़ाता हुआ देखेगा ना, तो उसको उस पोटली को उस गठरी को पीछे रख देगा, ज़मीन पर रख देगा, और तुम थोड़ी दूर तक उसको अपने पीछे पीछे ले जाना। हिरन से कहा चूहे ने कि तुम कुछ देर तक लंगड़ाते लंगड़ाते कुछ दूर जाना, और शिकारी तुम्हें देख लेगा तो वो तुम्हारा पीछा करेगा, और जब पीछा करते हुए तुम्हारे जाएगा तो उतनी ही देर में हम लोग इंशाल्लाह तोबड़े के बंद काट कर, चूहा जो है तो वो काट देगा उसके तोबड़े को और किसी गार में ले जाएगा कछुए को, यानी कि तो इस तरह कछुए को बचा लेगा, और सब जो है तो चूहे की अकल पर बहुत आफरी कहीं, यानी कि आफरी यानी कि मतलब खुश होना, तारीफ करना, ठीक है। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा हमको कि चूहे का ये आइडिया हम सब मतलब फॉलो करेंगे, मानेंगे, और इस तरह से हम अपने अपने दोस्त कछुए को भी बचा लेंगे। तो फिर क्या हुआ कि सयाद तोबड़ा ज़मीन पर रख कर हिरन के पीछे चला, जैसा कि उन लोगों ने सोचा था कि हाँ सयाद शिकारी ये करेगा, तो वाकई में वैसा ही हुआ कि सयाद जब हिरन को देखा तो उसने क्या किया, तोबड़ा जो है जिसमें कछुए को बंद किया था वो ज़मीन पर रख दिया, और जब वो उससे मायूस होकर वापस लौटा तो तोबड़ा कटा हुआ और कछुआ गायब पाया, यानी कि तो कुछ दूर तक जब वो हिरन लगड़ाते हुए चला, लेकिन जब शिकारी दौड़ा उसको पकड़ने के लिए तो वो भी अपनी तेज़ रफ्तार में दौड़कर निकल गया, और शिकारी के हाथ कुछ भी ना लगा, शिकारी फिर वापस उस अपने तोबड़े के पास आया जिसमें उसने कछुए को बंद किया था, और वापस आके उसने क्या देखा कि तोबड़ा कटा हुआ है और कछुआ भी गायब हो गया है। वो बहुत डरा और उसको यकीन हो गया कि वो जंगल भूत प्रेत से रहने की जगह है, यानी कि वो बहुत डर गया जब उसके साथ ऐसा हुआ, तो वो डर गया कि अरे ये इस जंगल में लगता है कि भूत प्रेत है, यानी कि वो शैतानी सब हैं, और ये सब जो हरकतें हुई हैं उसके साथ वो सब शैतानी हरकतें हैं, तो वो बहुत डर गया इस बात से। यहाँ से भागना चाहिए, वह अपना फटा हुआ तोबड़ा और कटा हुआ जाल बगल में दाब कर भागा, और फिर कभी इस जंगल में शिकार के लिए ना आया। वो बहुत डर गया था इस बात से कि हाँ इस यहाँ पे मेरे साथ ऐसा सा हो गया है, तो यानी कि ये जंगल जो है तो मेरे लिए सेफ नहीं है, और यहाँ पे क्या है, भूत है, भूत शैतान प्रेत ये सारी चीज़ें हैं, वही ये सब कर रही हैं उसके साथ। तो वो फौरन से क्या किया कि अपना फटा हुआ जो तोबड़ा था उसमें कि उसने कछुए को बंद किया था, बांधा था, वो उठाया, और जिसमें हिरन को किया था ये जाल भी कटा हुआ उसके पास था, उसे जल्दी से उठाया और वहाँ से भाग गया, मतलब जंगल से शिकारी जो था वो फौरन चला गया, और फिर दोबारा वो शिकार करने के लिए उस जंगल में कभी नहीं आया। सच है दोस्तों, बावफा की दोस्ती खुदा की रहमत है, यानी कि अगर हिरन की अगर इतने बावफा हिरन की वफ़ादार दोस्त ना होते तो शायद हिरन की जान कभी ना बच पाती, वो कभी भी इस शिकारी के जाल से कभी भी आज़ाद ना हो पाता, तो ये उसके दोस्तों का ही कमाल था। और अगर हम लोगों को अगर अल्लाह मतलब हम लोगों के पास अगर अच्छे दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, तो वो अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है हम लोगों के साथ, हम लोगों पर। तो इसलिए अपने दोस्तों की कद्र करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, कभी भी ना कद्री मत कीजिए, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत है। अच्छे दोस्त सबको नहीं मिलते हैं, जिनको मिलते हैं वो बहुत ही खुशनसीब होते हैं। कद्र कीजिए अच्छे दोस्तों की, सच्चे दोस्तों की। तो ये चैप्टर जो है तो वो आप लोगों का कम्प्लीट हो गया है, इसकी एक्सरसाइज जो है तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। कहानी बहुत ही अच्छी थी, खूबसूरत थी, आप सब ने पढ़ ली और इसे समझ भी लिया, उम्मीद है आप सबको भी बहुत अच्छी लगी होंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी की एक्सरसाइजेस और सवाल जवाब जो कुछ भी हैं वो हम सब अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।